मूवी हमें बहुत 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 पसंद आई, बहुत इंस्पायरिंग है। उसका जो मैसेज है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, तो वो एक्चुअली में आजकल के हमारे जनरेशन को बहुत मोटिवेट करेगा। इट्स अ मस्ट वॉच। आई गेस आई एम गोइंग टू सी दिस अगेन। पिक्चर बहुत बहुत अच्छी है। विशाल, हैट्स ऑफ टू योर एक्टिंग, यू वर अमेजिंग एंड यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। ये मूवी ये शिक्षा देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है। फैमिली पिक्चर है, सबको देखना चाहिए। द एक्टिंग, द सेट्स, एवरीथिंग इज सो 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 गुड। आई हैव सीन सच अ गुड मूवी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो कूडोस टू सलाम वेंकी टीम एंड इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस बीइंग हियर। I think the message they have given is brilliant. Vishal's, especially Vishal's acting and then Kajol's acting is commendable and loved every part of it. So yeah, it's quite an emotional movie, but you should watch it. It's really good. It's been an amazing movie. Like, this movie has been so gripping. It has just caught my attention and till the end it hasn't let me go off anywhere. The acting, the sets, everything is so 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 good. I've seen such a good movie after a very long time, so kudos to Salaam Venki team and it's been an amazing experience being here. The movie is really heart touching and looking at the Kajol's performance, it's just brilliant. We were awaiting to watch her on screen and this is something that she has done. She has outstanding everything. The performance is just outstanding. It's a must watch. And the subject is quite bold, so really proud of it. I'm just trying to hold my tears, and the cast is amazing. The whole plot up is also amazing. I guess I'm going to see this again. We are really proud of Shraddha. She did so nice movie, and we have great faith on her that she will make future very bright. मूवी हमें बहुत 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 पसंद आई, बहुत इंस्पायरिंग है। उसका जो मैसेज है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, तो वो एक्चुअली में आजकल के हमारे जनरेशन को बहुत मोटिवेट करेगा। एंड बहुत ब्यूटीफुली बनाई है, सभी एक्टर्स की एक्टिंग इतनी अच्छी है, स्पेशली काजोल मैम की एंड विशाल जेठवा की। मैं इस मूवी को 5 में से पूरा 10/10 दूंगी। पिक्चर बहुत बहुत अच्छी है। आई थिंक कि ये टॉपिक के बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत ही अवेयरनेस बढ़ाना, बहुत ही एजुकेशनल फिल्म है और एंड आई थिंक सबको देखनी चाहिए। सो मैं कहना चाहूँगी कि आई वुड गिव इट, लाइक शी सेड, 10/10। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट मूवी। आई वुड जस्ट लाइक टू से माई रियल ब्रदर वॉज सफरिंग थ्रू द सेम डिजीज एंड द एक्टिंग ऑफ विशाल is just so natural because this is all what I experienced throughout my childhood. So Vishal, hats off to your acting, you were amazing and you've done a brilliant job. Mujhe ye movie se kafi kuch seekhne mila ki apne parents se zyada apni life mein kuch bhi nahi hota hai aur like apne parents ki baat hamesha hame manni chahiye bas. Aur movie bahut achhi thi aur Kajol ma'am ki acting bahut achhi thi. Movie bahut badhiya picture banaya bhaiya ne aur itna badhiya picture hai, उसमें आप लोगों को सबको देखना चाहिए। पिक्चर फैमिली पिक्चर है, सबको देखना चाहिए। हम बहुत प्राउड है, आर संदेश परिवार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम लोग होप करते हैं कि मूवी सबको पसंद आएगी। बहुत बढ़िया मूवी थी, जो मूवी अपने को एक मैसेज देती है, जागरूकता मिलती है इससे, और जो इंडियन सरकार ऑर्गन्स के लिए जो नहीं कर पा रही थी वो ये मूवी से करेगी, तो मैं इंडियन सरकार को धन्यवाद देती हूँ। ये मूवी ये शिक्षा देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, इसमें कितने लोगों की जान बचेगी। नेशन नेक्स्ट, न्यूज़ हब फॉर न्यू इंडिया।